मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट है बहुत बड़े है ही डिजिटल मार्केटिंग का दौर, सोशल मीडिया का दौर है। डिफरेंट ब्रांड्स नेशनल इंटरनेशनल के साथ काम करो, आपको नोटिफिकेशन आता है, आप नोटिफिकेशन पे जाते हो, क्लिक करते हो, लाइक देखते हो, कमेंट्स देखते हो, फिर आपको पता भी नहीं चलता कब आप रील्स पे पहुंच जाते हो, और रील्स पे आपको नहीं पता चलता कब आप वीडियो पे पहुंच जाते हो, और आप अपना एक नोटिफिकेशन देखने के लिए आप इतना टाइम सर्व कर रहे होते हो। बहुत से लोगों को नहीं पता कि हम इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजन, लोग उसको सिर्फ यूज करें एंटरटेनमेंट के लिए, अर्निंग प्रोस्पेक्टिव वैसे नहीं कर रहे। सोशल मीडिया की डिजिटल मार्केटिंग इतनी जॉब्स हैं कि आपको आप हैरान रह जाए मार्केट में। ये माशाल्लाह बहुत ही फेमस किस्म के ब्रांड जो है ना हमारे भाई जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट है बहुत बड़े, और माशाल्लाह पिछले 5 साल से ये डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल लेके कंपनीज के साथ ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। जी इमरान भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच। तो इमरान भाई आपने फिर इस चीज पे कदम क्यों रखा है कि मार्केटिंग और वो भी डिजिटल? ये देखिए आज अगर आप देखें ना पिछले 5 साल से, तो अगर आप इसको थोड़ा सा और देखते हो है ही डिजिटल मार्केटिंग का दौर, सोशल मीडिया का दौर है। आपको हर बंदा सोशल मीडिया पर नजर आता है। तो जब मैंने थोड़ा सा फील्ड में आना था 5-6 साल पहले, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की यार मैं किस फील्ड में जाना चाहूँ, तो मैंने रियलाइज किया कि जो डिजिटल मार्केटिंग है या सोशल मीडिया मार्केटिंग है ये फील्ड बेस्ट है और आने वाला जो दौर है वो इसका है। तो फिर मैंने इसके ऊपर कुछ सर्टिफिकेशन की, डिफरेंट कोर्सेज किए प्रॉपर, और फिर मैंने डिफरेंट इंटर्नशिप्स की इसी फील्ड में ही डिजिटल मार्केटिंग में, और देन मैंने फिर अपना जो है करियर इसी को ही आगे परसू किया, और अभी तक स्टिल मैं इसी में ही जॉब कर रहा हूँ और डिफरेंट ब्रांड्स नेशनल इंटरनेशनल के साथ काम कर रहा हूँ। उनकी उसमें ब्रांडिंग है, उसमें जो है सेल जनरेट करना, लीड जनरेट करना, डिफरेंट चीजें होती है, तो वो मैं कर रहा होता हूँ। माशाल्लाह इमरान भाई जैसे आप बता रहे हैं कि फील्ड वो बहुत बेस्ट है, तो ये शौकीन हजरात के लिए वैसे डिजिटली एक सब के लिए बहुत ज्यादा शौकीन लोग हैं। आप भी फोन के तरह टैब फोन वगैरह लैपटॉप वगैरह आप देखिए देखते हैं, या फिर ये अर्नर्स के लिए बहुत ज्यादा सर दोनों के लिए बेस्ट है। कैसे? आप देखे ना कि हम एक फोटो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पे, फिर हम 2-3 मिनट बाद देख रहे होते हैं किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, ऐसा होता है ना। जैसे 2-3 मिनट से 2-3 घंटे और 2-3 दिन सोशल मीडिया का है ही आपकी अटेंशन ग्रैब करना। आपको नोटिफिकेशन आता है, आप नोटिफिकेशन पे जाते हो, क्लिक करते हो, लाइक देखते हो, कमेंट्स देखते हो, फिर आपको पता भी नहीं चलता कब आप रील्स पे पहुंच जाते हो, और रील्स पे आपको नहीं पता चलता कब आप वीडियोस पे पहुंच जाते हो, और आप अपना वो एक नोटिफिकेशन देखने के लिए आप इतना टाइम सर्व कर रहे होते हो। ये तो शौकीन हजरात जैसे आपने बात की, वो तो स्पेशल अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए अपनी फोटो लगा दी, और कुछ लोग मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं, किसी का कॉन्टेंट उठाया उसी को अपलोड कर दिया। दूसरा आ जाता है अर्नर्स, जो इस फील्ड से अर्न करना चाह रहे हैं। तो आपने देखा बहुत सारे लोग इसके ऊपर इससे अर्न कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया पेजेस हैं, उनके YouTube चैनल्स हैं, वहां से वो लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। अब वो अर्निंग कैसे कर रहे हैं लोगों को पता ही नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं पता कि हम इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे वेज हैं। आजकल आपने देखा हर बंदा ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर अपनी बता रहा कि मैं इस टाइम उठा हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं टूथपेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये टिकटॉक पे। लेकिन अगर आप उसका अच्छे से यूज करते हैं ना, तो फिर आप अर्निंग की तरफ आ जाते हैं। इस तरह आप यूट्यूब चैनल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कितना टाइम लगता है यूट्यूब चैनल बनाने? मेरे ख्याल में 2 मिनट। आपका जीमेल ऑलरेडी होता है, आपका वो बना होता है, आपने नेम लेना दैट्स इनफ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसके ऊपर आप वर्किंग कितनी करते हो, वर्किंग कितनी करते हो, स्ट्रगल कितनी करते हो, कितनी कोशिश कर रहे हो, फिर जाके आपको पैसे आते हैं। फिर लोग एक और भी है कि चैनल तो बना लिया है, मोनेटाइज नहीं हो रहा, वीडियोस नहीं आ रही, व्यूज नहीं आ रही, फिर उनका कंटेंट ऐसा है। तो दोनों वेज में शौकीन हजरात भी अपना शौक पूरा कर रहे हैं, और जो अर्निंग जो है करना चाहते हैं वो तो लाखों में अर्न कर रहे हैं। बट इसमें हार्ड वर्क है, जितना हार्ड वर्क करते जाएंगे, मेहनत करेंगे, आपका चैनल जो उतना ज्यादा बूस्ट होता है। रातें देनी पड़ती है, रातें भी कह सकते। अच्छा एक और इसमें बात है कि सोशल मीडिया में आपका एक वीडियो वायरल हो जाए ना, कोई एक आपका कंटेंट, आपने देखा पार्टी हो रही है, आपने देखा वो क्या हुआ, मिलियंस में उनके फॉलोअर चले गए। उसके अलावा लाहौर का पावा अख्तर लावा, क्या किया उसने यार, कोई है उसमें बात कोई है? आप उसमें देखिए कोई है बात लाहौर के पास। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रातों रात वायरल हुई हैं, और वो अब लोग जो हैं वो डिफरेंट चैनल्स पे आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, वहाँ पे बात कर रहे हैं, वो लाखों कमा रहे हैं। वैसे इस लड़की ने वैसे कहते थे पावरी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी को पावरी कहते हैं। हाँ तो देखिये वो वायरल होगी। अब वो देखिये मैंने देखा है कि वो डिफरेंट मीडिया पे डिफरेंट ड्रामों में उसको मेन रोल मिला हुआ है, और डिफरेंट उसको डिफरेंट इवेंट्स को इवन वो बड़े इवेंट्स को होस्ट कर रही है। तो ये सोशल मीडिया की पावर है। आप सोशल मीडिया आपको लाख यानी कि रातों रात यहाँ पे पहुंचा देता है,
अगर आप उसकी नेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ से आपको यहाँ पे पहुंचा देता है। इतना होता है, इसलिए यकीन माने सारा डिजिटल मीडिया, जो लड़का नहीं था वो जो शो करता था अपना, क्या कहते मोहसिन बात डीजी की तरह, जी 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 बिल्कुल, अब वो ड्रॉप हो गया यार, बिल्कुल बड़े रोल, बिल्कुल वो लड़की इतनी फेमस थी, मेरा दिल ये पुकारे आजा, अब देखे क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो यही इसको कहते, ये सोशल मीडिया की पावर है, आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले चलता। तो इसके लिए आपने जैसे कहा रातों लगानी पड़ती है, इसलिए बात है आपको कोई भी फील्ड में मेहनत तो करना पड़ती है, बट सोशल मीडिया में आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए, कोई रील वायरल हो जाए, ठीक है, या कुछ भी ऐसा आपका क्लिप जिसमें आपने कुछ गलत भी बोल दिया वो वायरल हो जाए, तो आपकी जिंदगी जो है ना, मैं कहता हूँ कि वो समर जाती है। लेकिन बात अगर कॉपीराइट पे तो लग जाते हैं। अच्छा कॉपीराइट तो फिर आप कंटेंट किसी का उठा रहे हैं तो वो अपने चैनल पे लगा रहे हैं, उसमें फिर कॉपीराइट के इशू आ जाते हैं। तो इस तरह की जो मीम्स होती है ना, अच्छा एक और मजे की बात, सोशल मीडिया किसी के लिए परफॉर्मेंस हमारी, उसके बावजूद कॉपीराइट लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आपने बात की ना कॉपीराइट की, हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हम रील्स देख रहे हैं, हमें फौरन हम क्या करते हैं उसको अपनी वॉल पे शेयर कर देते हैं, या हमें कोई सॉन्ग अच्छा लगता है टिकटॉक डाउनलोड व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं उसको, लोगों को भी दिखाते हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है जिसने उस चीज को क्रिएट किया है, फनी है तो फैमिली में शेयर कर, बिल्कुल जिन्होंने कंटेंट क्रिएट किया वो आपको नहीं परमिशन दे रहा है ना कि आप इसको आगे शेयर करें या अपने ही चैनल पे उसको पब्लिश करें, तो मेरे ख्याल में वो इशू तो आएगा जो आपने बात की ना, कॉपीराइट का वो इश्यू तो आएगा, तो वो आना भी चाहिए। जैसे अब आपकी कोई वीडियो मैं उसको अपने चैनल पे लगा लूं तो आप कभी भी नहीं करेंगे यार ये बंदा भी व्यूज ले, ठीक है, तो ये इश्यू तो आता है, ये इश्यू आता है। तो मैं अगर आप अपना कंटेंट क्रिएट करें तो फिर इश्यू नहीं है। तो लोग इतनी अर्निंग कैसे कर रहे हैं, हमें भी कुछ तरीका बताएं। अच्छा यार इसके लिए जैसे हमने बैठे बैठाए अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा ये तो बात गलत है, हमने बैठे बैठाए कुछ भी नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अब देखिये ना आप वीडियोज देखते हैं कि एक बच्चे छोटा बच्चा 13 साल का 10 लाख अर्निंग कर ली, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर केसेस हैं लोग इतनी अर्निंग कर रहे हैं, बट ऐसा कि ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। यूट्यूबर्स आप देख लें, ऐसी ऐसी आपके सामने स्टोरीज लेके आते हैं जिनका पता भी नहीं होता, और वो मिलियंस में करोड़ों में महीने का अर्निंग कर रहे हैं। हम मानते हैं इस बात को कि यूट्यूब फेसबुक से आप अर्निंग कर सकते हैं, बट इतना भी पंजाबी के अंदर लोटी नहीं पई गई कि आप, लेकिन इसके अगर आप करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर एक नीच डिफाइन करना पड़ती है। नीच डिफाइन करते फिर आपको देखना है कि मुझे उसको कंटेंट कैसा प्रयोग करना है। मैं जैसे यूट्यूब की बात करूँ, यूट्यूब जो है वो एजुकेशनल कंटेंट पे सबसे ज्यादा पैसे देता है, सबसे ज्यादा पैसे देता है, ठीक है। इस तरह से उसने भी कैटेगराइज किया हुआ है कि ये वाला कंटेंट है, मैंने इसको कितना पे करना है, ये कितना ये करना है, तो लोग कमा रहे हैं। आप स्ट्रगल उसमें आपकी है, अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी वीडियो को एडिट कर रहे हैं, उसमें आप रील्स निकाल रहे हैं, कंसिस्टेंसली अपने चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपका चैनल आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट हो जाता है। फिर जो यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल करते हैं, उसका वॉच टाइम है और उसका साथ उसके सब्सक्राइबर है, तो जारी बात आपको अर्निंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपको टाइम जरूर लगता है, रातों रात कुछ भी नहीं होने वाला, रातों रात सिर्फ एक ही होने वाला है कि आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो आप बुरी हो। आजकल तो लोग खुद अपनी वीडियोस वायरल करते हैं और हमें ऐसी फील होता है कि ये कंटेंट उन्होंने जानबूझ के हुआ है, लेकिन वो खुद उस तरह का प्रोड्यूस करते हैं, टिकटॉक से वीडियोस आ रही हैं, यूट्यूब ऐसी है कि वो बिल्कुल लोग बना रहे हैं, फेसबुक पे आई, हाँ बिल्कुल ऐसी वो क्रिएट करके उसको वायरल कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें ऐसा फील होता है कि शायद ये जानबूझ के उनके मुंह से निकल गया, ऐसा नहीं है, कुछ है ऐसी वीडियोस जो कि ऐसा हुआ बट ऐसा नहीं है, और उसको प्रॉपर उसको क्रिएट किया जाता है। बाकी इमरान भाई क्या कहते हैं आप, मसला हमारी ये कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है सुपीरियर यूनिवर्सिटी, हमारी का सब की पूरे पाकिस्तान की है, सर बच्चे वहाँ पढ़ते हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और भी बहुत सी नाम बड़ी यूनिवर्सिटीज भी हैं, वहाँ पर ऐसे ट्रेनर जो वर्क करते हैं, वो क्या वर्क करते हैं, मुझे इस बारे में। अच्छा जो ट्रेनर होता है ना बेसिकली उसका जो रोल होता है वही होता है कि वो बच्चों को ट्रेन करे। अच्छा फिर माशाल्लाह आप एंकर है, तो अगर आपको कोई पर्सन बुलाता है, यूनिवर्सिटीज बुलाती है कि भाई आप आए बच्चों को बताएं कि वो एंकर कैसे बन सकते हैं, तो आपका फील्ड का एक्सपीरियंस है। अब जैसे मेरी फील्ड डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं वही बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो सिखाता हूँ कि आप सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं और उससे आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। या जैसे सोशल मीडिया में ये भी होता है कि अपने लोगों का वर्क करना होता है, उनके एड्स लगाने होते हैं, उनका कंटेंट को देखना होता है, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, तो ये सारी चीजें हम उनको सिखा रहे होते हैं। वो एज अ ट्रेनर हम उनको बताते हैं भाई अगर आप यूट्यूब चैनल अपना बना रहे हो तो उसके ऊपर कैसे वर्क कर रहे हो, तो ये सारी चीजें हम उसको समझा रहे होते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करवा रहे होते हैं। तो मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में काम कर रहा हूँ ताकि हमारे जो यूथ है ना, आपको पता है कि हमारी मायूसी बहुत ज्यादा है, जॉब नहीं है, हमारे नौजवानों से कितना फायदा हासिल कर सकते हैं, यार देखिए आप अगर एक कॉमन मैन की बात करूँ ना, मैं आपके चैनल के थ्रू ये भी बताऊंगा, एक एक्टिविटी करके देख ले, आपने मोबाइल की सेटिंग में जाए, वहाँ पे लिखा होगा पेरेंट वेलबींग, जब वो वहां पे क्लिक करेंगे ना तो उनको पता चल जाएगा कि आज मैंने कितना मोबाइल यूज किया है। एक कॉमन पर्सन पाकिस्तान में 16 से 17 घंटे मोबाइल यूज करता है, और उसमें वो कुछ 600 दफा तो वो मोबाइल को लॉक और अनलॉक करता है, हालांकि उसका नहीं भी कोई काम है, तो फिर भी वो क्या करता है,
मोबाइल निकालता है उसका लॉक ओपन करता है और फिर लॉक करके जेब में डाल लेता है, ठीक है। टिकटॉक पे चला जाता है, टिकटॉक से हटता है तो इंस्टाग्राम पे चला जाता है, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे चला जाता है, यूट्यूब पे चला जाएगा। तो ये सारा दिन वो वही करता रहता है, ठीक है। टिकटॉक पे 2 घंटे सर किया। अच्छा, यूथ जो है ना वो इससे अर्न कर सकते हैं। आप एक शॉर्ट सर्टिफिकेशन कर लें अगर आपको नहीं आइडिया। देखिए, लोग उसको सिर्फ यूज करें इंटरटेनमेंट के लिए, अर्निंग प्रोस्पेक्टिव वे से नहीं कर रहे। जब आप सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो आपको चीजों का आइडिया हो जाता है, तो आप सीख लेते हैं। जब आप सीख लेते हैं तो मैं कहता हूँ सोशल मीडिया की, डिजिटल मार्केट, इतनी जॉब्स हैं कि आपको, आप हैरान रह जाए मार्केट में, लेकिन कंपिटेंट बंदा नहीं मिलता जिसको वो काम आता हो। लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगा दी ना वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, किसी का कोई रिप्लाई कर दिया वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। पेज को हैंडल कर रहे हैं प्रॉपर, आपने एड लगाना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं भी, मुझे ऑलमोस्ट कुछ 6-7 साल हो गए इस फील्ड में, तो मुझे भी अभी सर चीजें जो है ना वो नहीं पता चलती कि कैसे करनी है। एक शॉर्ट सर्टिफिकेशन कर लें, उसके बाद एक कहीं इंटर्नशिप कर लें, बस उनका जो है ना वो रोजगार खुल जाएगा और जॉब वगैरह कहीं ना कहीं उसको मिल जाएगी और वो अपना 30-40 हज़ार अर्न कर लेंगे आराम से। हम नौजवान नस्ल के लिए जो मोस्टली लोग आजकल जो है जो इससे ताल्लुक रखते हैं 24 वगैरह से मीडिया से रिलेटेड, तो उनके लिए डिजिटल मीडिया जो ये ज्यादा फायदेमंद है सोशल मीडिया। अच्छा, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग की तकरीबन सेम है, सेम ये को डिफरेंस थोड़ा आप मैं बता देता। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसमें हम देखते हैं यार जो सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये सारे आ जाते हैं। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें उसमें फिर कंटेंट राइटिंग भी आ जाए, ठीक है, उसमें साथ आपके पास एसईओ आ जाता है, ठीक है। इसमें 2-4 चीजें वो डिफरेंट, उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है, टिकटॉक, ये सारी चीजें आ जाती है, तो थोड़ी सी फील्ड ब्रॉड हो जाती है। सोशल मीडिया में सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म की आप यूज कर सकते हो। तो ये बहुत सारी, आप अपना जो है कंटेंट को अपनी वेबसाइट बना लीजिए, आप ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दीजिए, आप टिकटॉक पे आ जाइए, यूट्यूब पे आ जाइए, लॉट्स ऑफ वेज है। बट हमारी यूथ को ये है कि स्टार्ट करना है, कहीं से स्टार्ट करें और जो है ना मार्केट जो है ना खुली पड़ी है, आप वहां पे अपना काम करें और पैसे कमाएं। ये आपने बिल्कुल ठीक है। तो इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना बहुत ज्यादा कीमती वक्त हम ये के नाजीज कर दिया, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे जानने को मिली है। तो जितने भी हमारे यंगस्टर ये देखेंगे हमारा शो, ये तो यकीन है उनको इसके अंदर क्या क्या उनको फायदा हासिल हुआ इनसे, इनकी बातों से, उनके फ्यूचर के लिए, उनके प्रेजेंट के लिए भी, कि वो क्या क्या चीज के ऊपर राय लेके आएंगे, कितना वो अमल करेंगे इन चीजों के ऊपर जो उन्होंने बताई है सबको। तो कमेंट सेक्शन में जरूर ये शेयर कीजिए। Thank you.